हमें लेफ्ट कोसेट्स निकालने हैं, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप 3z, और ये जो 3z सब ग्रुप है ये z का है, हम जानते हैं ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है और ये भी आपका इनफाइनाइट सब ग्रुप है। तो आप जान सकते हैं कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ लेफ्ट या राइट कोसेट्स निकालने के लिए जो इंडेक्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट का केस है। इस केस में हम जानते हैं जेड ओवर 3z ये आइसोमॉर्फिक होता है Z3 के, और जेड एन टाइप का जो भी होता है उसके लेफ्ट और राइट कोसेट कितने होते हैं, एन होते हैं। यहाँ पर क्योंकि 3 है तो 3 इसके लेफ्ट कोसेट्स होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी भी साइक्लिक सब ग्रुप के जो लेफ्ट और राइट कोसेट्स होते हैं वो सेम होते हैं।